आगाज में आपको बताएं, पंजाब काबीना में तौसी का मामला। इमरान खान ने ख्याल अहमद कास्ट्रो के वजीर बनने पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। आज काबीना में तौसी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सीनियर रहनुमा का एतराज। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का इजलास में कहना था कि आपके वजीर बनने से हमारे बयानिए को नुकसान पहुँचना है। तफसीलात के लिए बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा ये क्या मामला है? दिलचस्प मामला है जी। आज फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का इजलास था और सूबाई वजीर ख्याल कास्ट्रो भी उस इजलास में शरीक थे, जिन्होंने आज ही गवर्नर हाउस में वजारत का हल्फ उठाया। तो एक सीनियर रहनुमा ने इस बात पर एतराज किया कि जो आज पंजाब कैबिनेट की एक्सटेंशन हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम एक तरफ असेंबलियों की तहलील की बात कर रहे हैं और दूसरी जानब काबीना की तौसी की जा रही है, तो इससे एक अच्छा मैसेज नहीं गया। जिस पर इमरान खान ने लाइजमी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि वो तो ये समझ रहे थे कि इनको शायद महकमे की सरबराही के लिए कहा गया था कि किसी महकमे की जो है वो सरबराही दी जाए, लेकिन वो वजीर बनने के हवाले से उन्होंने कतई तौर पर लाइजमी का इजहार किया। बहरहाल इमरान खान का कहना था कि इससे हमारे बयानियों को धक्का लगा है और ये बात आज खुलकर इजलास में सामने आई है कि शायद कम्युनिकेशन एरर ऐसा आया है कि क्यादत की जानब से जो सीएम है उसको अब कन्वी किया गया था किसी महकमे की सरबराही के लिए, तो ये शायद इमरान खान ये समझ रहे थे कि शायद किसी महकमे की जैसे आईडीए की जो होती है चेयरमैनशिप या किसी और खुद मुख्तार बॉडी की सरबराही होती है वो देनी है, लेकिन ये तो अब उधर से मैसेज ये समझा गया कि शायद इनको वजीर बनाना है, तो वो कैबिनेट की समरी मूव कर दी गई एक्सटेंशन की और आज हालत हो गया। बहरहाल इमरान खान जो है इनके वजीर बनने के हवाले से आज इसके इजलास में ये इंकशाफ हुआ है कि वो लाइलम निकले हैं। तो लियाकत, ये कौन सी वजारत दी गई थी? क्या ये सियासी मामला है जो ये वजारत दी गई? देखिये, वजीर बन गए हैं और उन्हें महकमा कानूनी सौंपा गया है, लेकिन असल बात यही है कि क़यादत ने क्या कन्वे किया और उधर सीएम हाउस ने क्या उसको अंडरस्टैंड किया। ये इमरान खान समझ रहे थे कि शायद किसी वजीर बने बगैर ही किसी महकमे की जैसे सरबराही मुख्तलिफ नॉन इलेक्टेड लोगों को या इलेक्टेड लोगों को भी इवन मुख्तलिफ खुद मुख्तार बॉडीज की सरबराही दी जाती है, जैसे एलडीए की वाइस चेयरमैनशिप हो गई, जैसे सेप्टा की चेयरमैनशिप हो गई या मुख्तलिफ और सरबराह महकमे खुद मुख्तार जो है उनकी सरबराही देनी थी। तो वो जब आज कैबिनेट का हल्फ उन्होंने उठाया तो ये उनको धक्का लगा कि अब वो तो किसी महकमे की ऐसे ही सरबराही समझ रहे थे और ये तो कैबिनेट एक्सटेंड हो गई और ये कैबिनेट में एक्सटेंशन हो गई, जिससे एक मैसेज ये गया कि एक तरफ इमरान खान असेंबलियों की तहरीर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब में कैबिनेट में तौसी की जा रही है। तो ये मामला बहरहाल आज की इजलास में जेर बहस रहा। तो लियाकत, काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान में क्या अब कोई गहमा गहमी नजर आ रही है या फिर नहीं? देखिए, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में इस रिलेशनशिप की बात नहीं, ये कुछ कम्युनिकेशन एरर है या कम्युनिकेशन गैप है जिसके नतीजे में मैसेज को किस अंदाज से कन्वे किया गया, किस अंदाज में रिसीव किया गया, ये कोई बात किस तरह का मामला लग रहा है, क्योंकि इमरान खान खुद ये बात कह रहे हैं कि मैं तो समझा था कि आपको किसी महकमे की सरबराही दी जानी है, तो वो यकीन तौर पर ये लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है और कम्युनिकेशन एरर है, पैगाम सही तरह से गया नहीं और सही तरह से समझा नहीं गया। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।